इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमने इस मूवी के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लाइट होता है और वो अभी अपने स्कूल में होता है। वो वहां पर बैठा होता है, तभी वहां पर हवाएं चलने लगती हैं और तभी आसमान से एक बुक आसमान से गिरती है। वो बुक लाइट को मिलती है और वो उसे देखता है और उसे रख लेता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, ये एक बहुत एंशियंट बुक थी। तभी वहां पर बारिश होने लगती है तो लाइट अंदर जाने लगता है। तभी वो वहां पर देखता है कि एक नोटी बच्चा स्कूल के एक लड़के को तंग कर रहा है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तभी वो उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। वहां पर उसकी एक टीचर को उसके बैग से बाकी बच्चों के होमवर्क मिलते हैं और वहां पर उसका एक सीक्रेट रिवील होता है कि वो बाकी बच्चों का होमवर्क करता है। इस बात के ऊपर वो टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। जब वो वहां पर अकेला बैठा हुआ होता है तो उसे वो बुक दिखती है। वहां पर वो उसे रीड करने लगता है। और अब क्योंकि ये एक सिंपल बुक नहीं थी तो इसके लिए भी रूल थे, यानी इसे रखने के लिए कुछ रूल थे। जब लाइट उसे पढ़ने लगता है तो उसे काफी अजीब फील होता है और उस कमरे में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। और वो वहां पर एक क्रिएचर को भी नोटिस करता है जिसकी बॉडी पे काफी सारे स्प्लिंटर्स थे और वो काफी डरावना और क्रीपी दिख रहा था। पहली बार लाइट उस क्रिएचर को देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सब समझ में आ जाता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं है बल्कि वो तो एंजल ऑफ डेथ है, मतलब मौत का फरिश्ता, और वो उस बुक का गार्डियन है। वो क्रिएचर लाइट को इस बुक के बारे में सब कुछ बताता है और वो बताता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट है जिन्हें डेथ नोट कहा गया है और उस नोट पर तुम जिसका भी नाम लिखोगे वो तुरंत मर जाएगा। और इस बुक का मालिक अपनी पसंद से किसी को भी मार सकता है। और अब इस बुक का मालिक लाइट है और अब वो उस डेथ नोट से अपनी मनचाही सजा देकर किसी को भी मार सकता था। मतलब अब उसे सिर्फ उस डेथ नोट पर लिखना था कि वो किस किस तरीके से मारना है और वो इंसान उसी पैटर्न से अपने आप खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन किसी को भी मारने से पहले उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और साथ ही साथ वो क्रिएचर भी सिर्फ उन्हें ही दिखता है जो उस बुक के मालिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्रिएचर की बातों पे लाइट यकीन नहीं करता है। इसके बाद वो एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि तुम्हें 7 दिन में किसी ना किसी का नाम इस बुक में लिखना पड़ेगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी और उस इंसान को भी मारने का एक पैटर्न होना चाहिए जो कि असल जिंदगी में पॉसिबल हो। तभी वो एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें इस बुक को अभी आजमा लेना चाहिए। और तभी लाइट उस लड़के को देखता है जो और बच्चों को परेशान करता है और वहां पर भी वो किसी को परेशान कर रहा था। और इस चीज को मजाक में लेते हुए लाइट उस लड़के का नाम उस बुक पर लिख देता है और उसे मारने का पैटर्न वो लिखता है कि उसका सर क्रश होके मरेगा। और तभी लाइट जब बाहर देखता है तो वहां पर 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें से एक गाड़ी के ऊपर लोहे की लैडर्स थी जो उस लड़के के सिर में जाकर लग जाती है और उसका सर क्रश हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और अब लाइट ये सब ऊपर से देख रहा था तो वो अब घबरा जाता है और वो बच्चे भी वहां पर घबरा जाते हैं। और अब उसे उस एंजल ऑफ डेथ के बात पर यकीन आ जाता है और अब लाइट काफी डर जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ उससे पूछता है, अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इसका ओनर किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइट के फादर एक डिटेक्टिव हैं और उसकी मदर किसी कारण के चलते एक क्रिमिनल ने उसे मार दिया था। लेकिन उस क्रिमिनल के खिलाफ कोई एविडेंस ना होने की वजह से वो क्रिमिनल अब सरेआम घूम रहा था। लाइट अपने फादर से काफी नाराज होता है क्योंकि उसके फादर उसकी मदर की डेथ से उस क्रिमिनल से बदला नहीं ले रहे हैं। तभी वहां पर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख देता हूँ। और इसके बाद वो सिर्फ ऐसा ही करता है, वो उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट पर लिख देता है। और इसके बाद हम उस क्रिमिनल का सीन देखते हैं जो एक जगह पर पार्टी कर रहा होता है और इसके थोड़ी देर बाद किसी छोटे से एक्सीडेंट के चलते उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद जब लाइट और उसके फादर को ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो काफी खुश होते हैं क्योंकि अब लाइट ने अपनी मदर का बदला भी ले लिया था और अब वो दोनों भी खुश रहने लगे थे। इसके बाद लाइट सोचता है कि इस बुक को अच्छे कामों में कैसे यूज किया जाए। तभी वो स्कूल में दिखाया जाता है। लाइट इस बारे में स्कूल में बैठकर सोच रहा होता है। वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की फ्रेंड होती है, इसीलिए लाइट उसे इस बुक के बारे में बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस किताब मिली है जिसे मैं अगर मैं किसी का भी नाम लिखूं तो वो उसकी तुरंत वहीं पर डेथ हो जाएगी। लेकिन लाइट की इस बात पर मिया एग्री नहीं करती और अब इस चीज को प्रूव करने के लिए लाइट लाइव न्यूज चलाता है और वहां पर एक क्रिमिनल को देखता है और वो उस क्रिमिनल के बारे में उस किताब में लिख देता है और उसका पैटर्न
भी उसे लिख देता है कि उसकी डेथ एक कार एक्सीडेंट से होगी। और वहां पर बिल्कुल सेम चीज होती है, एक कार एक्सीडेंट के चलते उस क्रिमिनल की वहीं से एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और अब ये सब देखकर मिया शॉक हो जाती है। इसके बाद अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग इस बुक की मदद से दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार डालेंगे, और उन बुरे लोगों के नाम और चेहरे उन्हें इंटरनेट से मिल सकते थे। और अब वो उन सारे बुरे लोगों के एक लिस्ट बना लेते हैं और अब वो सारे बुरे लोगों को मारने लगते हैं। और यहाँ पर एक बात भी पता चलता है कि उस बुक का ओनर किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। और अब लाइट अपने लिए एक नाम सोचता है और वो सोचते हैं कि जब भी वो किसी लोग को मारेंगे तो वहां पर वो कीरा लिख देंगे, और इससे यह होगा कि बुरे लोग इस नाम से डरने लगेंगे और वो सारे बुरे काम छोड़ देंगे। और अब देखते ही देखते ये न्यूज सारे वर्ल्ड में फैल जाती है कि एक कीरा नाम का सीरियल किलर सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सारे बुरे लोगों को मार रहा था। अब वो था तो एक क्रिमिनल, अब इसी वजह से पुलिस उस कीरा को पकड़ने लग गए थे, लेकिन लाइट के खिलाफ कोई सबूत न होने के चलते वो उसे नहीं पकड़ सकते थे। और अब इसीलिए एक गवर्नमेंट एक हायर लेवल डिटेक्टिव को हायर करती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और तभी वहां पर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जिसका नाम एल होता है, और उसका किसी ने आज तक रियल नेम नहीं पता था और ना ही किसी इंसान ने उसका रियल फेस देखा था। दूसरी तरफ हम लाइट और मिया को देखते हैं जो 400 से भी ज्यादा लोगों को अब उन्होंने मार दिया था। शुरुआत में तो एल कीरा से कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन लाइट इस चीज को नहीं करना चाहता था क्योंकि वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को खत्म करना चाहता था। और अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ लाइट और मिया काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे इतने हायर लेवल के डिटेक्टिव उन्हें पकड़ने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वो उन बुरे लोगों को मजे में मार रहे थे, लेकिन अब उनकी एल की एंट्री ने उनकी लाइफ में टेंशन पैदा कर दी थी। जब लाइट के फादर उसके घर आते हैं तो लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। उसके फादर उसे बताते हैं कि आधे लोग तो उसे मारने की डिमांड करेंगे, लेकिन आधे लोग उसे कहेंगे कि उसने ये सब किया कैसे। और अब ये सब सुनकर लाइट की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर डेथ नोट पार्ट 1 का दी एंड हो जाता है। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर।